आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सब लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था, तो उन्होंने क्वेश्चन मेरे से किया कि आचार्य जी, महाकाली की सिद्धि कितने दिन में होती है। तो मैंने बोला इसका कोई फिक्स टाइमिंग तो नहीं होता, बट होता लगभग आपको अगर जीवन में महाकाली की सिद्धि चाहिए, अगर माँ की मंत्रों की सिद्धि चाहिए, तो लगभग जीवन में कम से कम 10 साल तो देने ही पड़ते हैं, तब जाके जगदम्बा की जागृति होती ही है। उसके बिना तो उससे पूर्व करना मतलब एक तरह का असंभव है। और 10 साल कब? जब लगातार साधना किया जाए तब। तो उन्होंने बोला कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं। उन्होंने एक स्विस बैडली किसी एक चैनल का नाम लिया और उधर बोला कि उधर 41 दिन में महाकाली सिद्धि करवाई जाती है और आप बोल रहे हैं कि इतना साल लगता है। तो उस चीज़ को लेते हुए मैं आज आप सभी लोगों को एक छोटा सा स्टोरी बोल लीजिए सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि सच में एक महाविद्या की प्राप्ति या फिर जगदम्बा पराप्रकृति की दर्शन करना कितना कठिन हो सकता है और साधक को कितना तपना पड़ता है तब जाके माँ एक बार दर्शन देती है। तो वीडियो चालू करते हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा आप सभी लोग। लगभग ये कहानी गुजरात की है। गुजरात में एक साधक हुए, तो वो साधक थे, माता काली के ही उपासक थे। पहले तो वो भी इसी तरह से अपने बचपन से ही धीरे धीरे माँ काली के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया और अपने घर में वो माँ का पूजा करते थे। अचानक से एक दिन खेत में वो बैठे थे और उनका जो भी काम चल रहा था, वो काम चलते चलते उनके मन में एक विचार आया कि जगदम्बा तो मूर्ति में है, लेकिन क्या होगा कि ये मेरे सामने माँ जगदम्बा प्रत्यक्ष हो जाए। तो इसी एक विचार का ही उनके अंदर स्फुरणा था। जैसे ही स्फुरणा हुई और लग गए माता काली के दर्शन करने के लिए। कई साधु संतों से मिले, साधु संतों से मिलने के बाद फिर कई जगह पे कई गुरुओं के पास गए और बोले कि महाकाली माँ का दर्शन करना है। कई गुरुओं ने उनको दीक्षा दिया, कई प्रकार के मंत्रों का उन्होंने साधना किया, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला जब, तब वो हताश होकर भगवती के पास एक दिन बैठ गए और बोले कि जगदम्बा, ये क्या हमारे साथ हुआ, हम समझ नहीं पाए, और आपने इतना सब आपका उपासना, इतना मंत्र जाप करने के बाद भी आपका दर्शन नहीं हुआ, ये कैसी एक वृथा की बात है, या फिर कैसी एक बात है कि इतना समय, लगभग 8-10 साल, बहुत सारे गुरुओं के पास भागने के बाद, बहुत सारे मंत्र साधनाओं को करने के बाद, ऐसी ऐसी साधना जो कोई सोच नहीं सकता, ऐसी साधनाओं को करने के बाद आप फिर भी हमको दर्शन नहीं दिए, ये बहुत दुखद बात है कि आपने हमको दर्शन नहीं दिया। फिर तो ऐसे में तो फिर हमको यही मानना पड़ेगा कि आपका अस्तित्व संसार में नहीं है, बोल के जगदम्बा के सामने बैठे थे और ये सब उन्होंने बोला। तो जैसे बोला, अचानक से एक माँ के पीछे से काली सी परछाई आई और उनको एक तरह का शून्य वाणी बोल लीजिए वही हुआ, और उसने बोला कि कामरूप प्रदेश इधर से चला जा। तो फिर वो अचानक से झिझक पड़े कि हुआ क्या, उनको भी एकदम पता नहीं चला। जब होने के बाद लगभग आधे एक घंटे तक वो भी सुन पड़ गए, तो वो उन्होंने फिर जब उनका चेतना फिर वापस आया उस चीज़ को होने के बाद, तब उनका लगभग चेतना आने के बाद फिर उन्होंने पता लगाया कि कामरूप प्रदेश क्या होता है। तब उनको पता चला कामरूप प्रदेश अर्थात कामाख्या पीठ, माता महाकामेश्वरी कामाख्या का पीठम, जहाँ पे तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। तो उन्होंने बोला शायद जगदम्बा का कुछ आदेश हो, हम चलते हैं। फिर वो निकल गए कामाख्या पीठ की ओर। कामाख्या पीठ की ओर निकलते निकलते लगभग एक महीने के बाद वो कामाख्या पीठ पहुँचे। कारण ये बहुत पुरानी बात है और गांव देहात की बात थी और गुजरात से कामाख्या मतलब बहुत लंबा सफ़र और लगभग अंग्रेजों का टाइम तो और दुविधा, तो थोड़े ज़मीन जायदाद होने के कारण काफ़ी अच्छे परिस्थिति में ये थे। तो उन्होंने अपना थोड़ा जो भी धन आदि लेके फिर पहुँच गए कामरूप पीठ। कामरूप पीठ पर लगभग उन्होंने 10 दिन बिताए। 10 दिन बिताने के बाद कई सारे तांत्रिकों से बात किए थे, कई सारे तांत्रिकों के साथ वो मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंतगत्वा कामाख्या के दर्शन करने के बावजूद भी उनका जब कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला बस ये सब ऐसे ही होता है और सब बेकार की चीज़ें हैं और इन सब से कुछ ना होता है, और ये बोल के वो कामाख्या से अपना जो सामान वामान लेके उधर से निकलने लगे। निकलते निकलते रास्ते में एक जगह पे वो जा ही रहे थे और एक जंगल पड़ा।
जंगल पे एक चट्टान पे एक बाबा बैठा था जो पूरे के पूरे काले कपड़ों में पूरा ढका हुआ था। सिर में काला पगड़ी था, काला धोती था, एक काले कलर का कंबल उसने ओढ़ रखा था और चुपचाप बैठ के ध्यानस्थ था। इनको पता नहीं, अचानक से एक मन किया कि ये कौन है, क्या है, किस तरह से है। तो अचानक से वो जाके उधर चुपचाप बैठ गए बिना कुछ बोले। उसको लगभग बैठ के 2-3 घंटा होने के बाद बाबा का ध्यान भंग हुआ और बाबा इस महाजन को देखते हुए हंसा और मुस्कुरा के उनका नाम लेके बोला कि तू आ गया। तो ये काफ़ी चौंक गए कि ये साधक काफ़ी चौंक गया कि भाई मेरा नाम कैसे पता, क्या कैसे पता। तो फिर उसने बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद बाबा ने बोला कि तुम मेरे साथ कुछ दिन रुको। फिर कुछ दिन रुके उधर। कुछ दिन रुकने के बाद उसी बीच में बाबा जो साधक के कई सारे जो उनके मन में जो डाउट्स थे उन डाउट का क्लियर करने लगे और कई सारे उनको चीज़ें बताई जो उनको अपने बारे में भी नहीं पता थी। इतना सब होने के बाद वो पता चल चुका था साधक महोदय को कि ये जो हैं ये मेरे गुरु ही हैं और जो जैसा शक्ति ने आदेश दिया था उस शक्ति के आदेश के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही बात थी और अब ये मिल चुके हैं। तो फिर उनकी जो साधक ने बाबा की शरणागति ली और शरणागति लेने के बाद बाबा ने उनको माता काली का मंत्र का दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद उन्होंने बोला कि तुम गृहस्थ आदमी और गृहस्थ में जगदम्बा को प्राप्त करना सबसे आसान काम है। कारण अगर सही से अगर कोई व्यक्ति अपना गृहस्थ धर्म को निभाते हुए अपना साधनाओं को संपन्न करे और अपना भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को बैलेंस करके चले तो वो प्रकृति के कई सारे रहस्यों को ज्ञात करने में काफ़ी आसानी होती है उसको और प्रकृति या फिर जगदम्बा के पास वो काफ़ी जल्दी पहुंच जाता है। जब उन्होंने ये बात बोली तो उन्होंने इस बातों को समझा और अपना आत्मसात किया। तभी जो बाबा थे उन्होंने साधक को बोला कि जाओ और तुम अपने घर चले जाओ। घर चले जाने के बाद अपने घर में भगवती की एक चांदी की मूर्ति स्थापित करना। स्थापित करने के बाद नित्य प्रति आज उस दिन से 16 साल तक तुमको लगातार साधना करनी पड़ेगी और 16 साल के बाद भगवती साक्षात तुम्हारे समप्रत्यक्ष होंगी। उस दिन फिर तुमको अपनी साधना की पूर्णता हासिल होगी और तुम्हारे जीवन में मेरा ये लास्ट और फर्स्ट दर्शन था। इसके बाद शायद मैं तुमको नहीं मिलूँगा और इस बार तुम जब साधना करोगे पिछली बार का जो तुम्हारे जीवन में साधना रह गया पिछले जन्मों का इस जीवन में आके उसको पूर्ण करोगे और फिर इस बार तुम मुक्ति की प्राप्ति करोगे या फिर कैवल्यता की प्राप्ति करोगे। ये सुन के वो काफ़ी खुश भी हुए और काफ़ी दुख भी हुए कि एक ऐसे गुरु मिले जो बड़े तेजस्वी और इतने प्रतापी थे लेकिन जीवन में आखिरी बार उनका दर्शन होना। तो वो उनको प्रणाम करके वो चले आए अपने घर। घर आने के बाद उन्होंने अपनी जीवन की सबसे बड़ी साधना चालू की 16 साल की। 16 साल में कई मंत्रों के पुरस्करण और कई मंत्र की साधना उन्होंने प्रारंभ की। 15 साल जब उन्होंने साधना किए तो प्रत्येक साल जैसे उनकी साधना का पूरा होता तो भगवती की एक एक नित्या शक्ति उनको जागृत होती जाती और जैसे जैसे भगवती की जो 15 नित्या हैं महाकाली की जो माँ की 15 नित्या शक्ति हैं वो धीरे धीरे जागृत होती गईं। और एक टाइम आया कि जब 16वां साल पूर्ण हुआ तो वो एक ऐसे दिव्य साधक के रूप में परिगणित हुए और भगवती ने उनको दर्शन दिए और साक्षात वो ब्रह्म चैतन्य रूप या फिर ब्रह्म चैतन्य वो साधक बन गए थे। इसी तरह से 16 साल की लगातार कठिन और कठोर साधना के बाद उनको जगदम्बा का दर्शन प्राप्त हुआ था। हालांकि इसमें और भी कई सारी टॉपिक्स थे जो मैंने इग्नोर कर दिए आप सभी लोगों के लिए, जैसे कि कौन सा मंत्र था, किस प्रकार का पुरस्करण था। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पुरस्करण होते हैं जिसमें 16 साल का पुरस्करण है तो 16 साल का पुरस्करण कैसे था वो, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इधर नहीं बताई हैं आप लोगों को। कारण क्या है, ये जो स्टोरी है ये रियलिटी एक बेस्ड स्टोरी है, ये सच्ची कहानी है जो हुआ था और ये परंपरा की हमारी जो एक बोल लीजिए कि हमारे गुरु परंपराओं की धरोहर है जो हमको मिली थी और हमने आपसे लोगों को सुनाई। तो वो कहानी हमको भी सुनाई गई थी बकायदा उस साधनाओं को देते हुए। तो अब वो साधना तो अलग बात है उन सारी चीज़ों को लेके, बट ये कहानी सुनाने का तात्पर्य यह है कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमको महाकाली की सिद्धि 41 दिन में हो गई, 51 दिन में हो गई, 21 दिन में हो गई, मात्र और मात्र क्या जाप के कुछ 2-4 सावर मंत्र
और कुछ ऐसे दो चार मंत्र जिनका कोई वैलिडिटी ज़्यादा होता नहीं है, हर साल उनको जगाना पड़ता है। ऐसे मंत्रों का जाप करके जिसको निम्न कोटि के मंत्रों की श्रेणी में गिना जाता है, तो ऐसे मंत्रों का जाप करके वो लोग बोलते हैं कि 41-21 दिन में हमको सिद्धि हो जाती है। बड़ा सुनने के बाद बड़ा हास्यास्पद बात लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आज के लोगों का जो मस्तिष्क है इस तरह से, जो सोशल मीडिया हो या फिर आजकल की जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, उन चीज़ों ने ऐसा घुमाया कि लोग अब इस चीज़ों को भी नहीं समझते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरी जो कहानी से, जो मैंने सुनाया, इस कहानी से समझ आ गया होगा कि कम से कम परा प्रकृति जो है वो संसार की हाईएस्ट शक्ति हैं, और उनका दर्शन अर्थात खुद ब्रह्मलीन होना या फिर ब्रह्म के अंदर चैतन्यता को प्राप्त कर जाना, खुद के अंदर ब्रह्म चैतन्यता को प्राप्त कर जाना ही भगवती का सच में साक्षात्कार होता है, जिसको बोलते हैं हम आत्म साक्षात्कार। अब यही आत्म साक्षात्कार अगर सच में ऐसे कुछ मंत्रों से हो जाता है 41-51 दिन में, तो आज कहीं ना कहीं ब्रह्मांड जो है कई लाखों साधकों से भर जाता जो ब्रह्म चैतन होते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए भगवती के ऊपर शरणागति रखें, उचित गुरु का चयन करें, उचित गुरु को ढूंढें, जो गुरु आपको प्रॉपर तरीके से जो भी आपकी इष्ट हैं उसके ऊपर दीक्षा दे आपको, और दीक्षा देने के बाद फिर आपको वो सही मार्गदर्शन देगी किसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। आजकल के तो कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग गुरु दीक्षा दे देते हैं लेकिन शिष्य को ना सुरक्षा मंत्र देते हैं, ना आसन बंधन, ना दिग्बंधन, बस बोलते हैं कि जाओ जप लो, इतना जपने के बाद फिर तुम इस शक्ति की साधना करो, उस शक्ति को सिद्ध करो। जबकि बेसिक चीज़ है, सबसे बेसिक चीज़ है आसन बंधन, दिग्बंधन, दिशा बंधन आदि, उतना तक उनको सिद्ध नहीं करवाते, ऐसे भी लोग हैं। तो सतर्क रहें, अपनी बुद्धि से काम लें, भगवती के ऊपर आश्रित रहें ताकि भगवती आपको सही मार्गदर्शन दे सके। आज का वीडियो आप सभी लोगों को अगर पसंद आता है तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। और एक बार डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, अवश्य जाके हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो जाए ताकि हम आगे जो भी वीडियो आदि पोस्ट करें, तथा मान लीजिए कि कोई साधना आदि हम आगे देते हैं तो साधना का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो और आप उसमें ज्वाइन होकर अपने जीवन में, साधनात्मक जीवन में भी आगे बढ़ सकें। टेलीग्राम ग्रुप में कई प्रकार के निःशुल्क और सशुल्क साधना आदि दिए जाते हैं साधक को उन्नति हेतु, तो अवश्य ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यही था कुछ आज का वीडियो, सभी को नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली, मिलता हूँ उस लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।